नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और एक नई अपडेट के बारे में। नई अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है, तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना था GNM के लिए, ANM के लिए, PST के लिए, ठीक है, और ग्रुप 3 सब इंजीनियर के लिए, तो उन लोग के लिए यहाँ पे नई अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे आप लोगों ने अगर इसमें अप्लाई किया है या आपके कोई पहचान वाले जिनने अप्लाई किया तो उनको आप अपडेट बता दिएगा। काफ़ी यहाँ पे जो है नई अपडेट यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे निकल कर आ रही रिसेंटली थी, तो क्या यहाँ पे नोटिस में बताया गया हुआ है, कौन से एग्जाम की डेट चेंज हुई है, कहाँ से आपको शेड्यूल यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, पूरी डिटेल मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। तो चलते हम सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज यहाँ पे आती है सबके नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं लेकर आता रहता हूँ, वो किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी वीडियो में समझा देता हूँ। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप MPSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट आपको लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिलेगा एग्जाम डेट चेंज एम, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ANM, TST, उसके बाद यहाँ पे जो है PNST, GNM, TST, ग्रुप 3 सब इंजीनियर। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक यहाँ पे नोटिस जारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दिया गया हुआ मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा महीने अगस्त 2024 में सितंबर 2024 में निम्नलिखित परीक्षा प्रस्तुत थी, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया हुआ है UGC, NET एवं अन्य परीक्षाओं के समस्तर समय में संचालित होने वाले परीक्षा केंद्रों में सीमांतित अनुपलब्ध को दर्शाते रखते हुए प्रस्तुत परीक्षाओं की परीक्षा तिथियों व निम्नानुसार अंशिक संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्शन किया जाता है, अब कौन कौन सी वो परीक्षाएं और क्या यहाँ पे परिवर्तन किया गया हुआ है। तो परीक्षा का नाम फर्स्ट पे महिला स्वास्थ्य कार्यता परीक्षण केंद्र व परीक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा ANM TST 2024, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व में प्राधिक दिनांक कौन सी थी आपकी 28-29 अगस्त, जो कि अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं संशोधित प्रकार से परीक्षा दिनांक हो गई है 2/9/2024 से प्रारंभ, ये यहाँ पे आप चेंज हो चुकी है डेट। बात कर लेते हैं सेकेंड यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यहाँ पे ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट है GNM TST 2024। तो यहाँ पे जो है आपका 4 से 5 सितंबर को होना था, पूर्व में जो प्रस्तुति परीक्षा दिनांक थी वो जो कि अब यहाँ पे हो गई है 9/9/2024 से प्रारंभ, ठीक है, ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अब यहाँ पे डेट चेंज हो चुकी है। तो ये यहाँ पे जो है नई अपडेट आ चुकी है, तो आप लोग यहाँ पे जिन लोग को इस बारे में पता नहीं है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे नई अपडेट आ चुकी है। अब यहाँ पे आप थर्ड में आप देख सकेंगे समूह 3 उपयांत्री सहायक, ठीक है, इसकी भी यहाँ पे जो आपकी परीक्षा थी उसकी दिनांक चेंज हो गई है, जो कि पहले 12/9/2024 से प्रारंभ, तो मतलब जो है आपका अगस्त मंथ से 12 से यहाँ पे जो है स्टार्ट होने वाला था, ठीक है इसका, और जो कि अब जो डेट है वो यहाँ पर हो गई है 19, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 19 तारीख को यहाँ पे जो इसको कर दिया गया है 19/9/2024 से प्रारंभ। तो ये यहाँ पे जो है नोटिस जारी किया गया हुआ है, बाकी परीक्षा की शेष शर्त यथावत रहेगी। तो अगर आप भी यहाँ पे जो है अगर आपने इसमें अप्लाई किया है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे तैयारी चल रही है तो आप उसको कंटिन्यू रखिएगा, ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। 28-29 से यहाँ पे जो है आप लोग को 2/9/2024 से प्रारंभ यहाँ पे होने वाला है, और जिन लोग का 4 और 5 सितंबर से था उनको 9/9/2024 से यहाँ पे प्रारंभ होने वाला है। सेम अगर आप देखें यहाँ पे जो है समूह 3 उपयांत्री सहायक का, तो 12/9/2024 से प्रारंभ यहाँ पे जो होना था, जो कि 19/9/2024 यहाँ पे प्रारंभ होना है। तो टोटल अगर यहाँ पे डेज की बात करें तो आपको पूरा प्यारो यहाँ पे जो है 5 से 6 दिन का यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे नई अपडेट थी जो कि मैंने आपको बता दी है, आप अपने मोबाइल पर भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नई अपडेट आ चुकी है, बाकी अधिक जानकारी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी CHO और यहाँ पे NHM की भी यहाँ पे जो है वैकेंसीज आती है, या फिर अभी यहाँ पे काफ़ी रिजल्ट जो है आने, जैसे CHO CCH की अभी फाइनल यहाँ पे लिस्ट आनी है, प्लस NHM का यहाँ पे स्टाफ नर्स रिजल्ट आना है, तो उसकी अपडेट्स मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन बताइएगा आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम था, ठीक है, यहाँ पे जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एग्ज़ाम थे प्री नर्सिंग के लिए, प्लस यहाँ पे महिला स्वास्थ्य कार्यता परीक्षा के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने यहाँ पे जो है किसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अपडेट आएगी यहाँ पे मैं कंटिन्यू डालता रहूँगा फ्रेंड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।